वाह। मेरा नाम जयप्रकाश ठाकुर है, मैं दंतेवाड़ा जिले कटेकल्याण में रहता हूँ और मेरी बच्ची साइकिल से गिरी थी तो जो लेफ्ट हाथ है वो फ्रैक्चर हुआ था। तो मुझे पता चला MGM हॉस्पिटल बहुत अच्छा है किसी के जरिए, तो वहाँ सुनीत पाल साहब डॉक्टर अच्छा इलाज करते, तो मैं डॉक्टर सुनीत पाल के पास लाया तो उन्होंने एडमिट किया और मेरी बच्ची का ऑपरेशन किया लेफ्ट हाथ का। बोले ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। मैं बहुत खुश हो गया, चलो मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो हम ठीक ऑपरेशन यहाँ हुआ तो हम लोग 8-10 दिन यहाँ रहे, फिर हम चले गए। फिर हाथ को ऑपरेशन होने के बाद हाथ ठीक नहीं हुआ, हाथ क्या लटक गया ऐसा, तो सीधा नहीं हुआ। सर से संपर्क किया मैं बोला सर आप बोले फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ठीक होगा, और हम कराते ही रहे, आते ही रहे कटेकला से, जब जब बुलाए जगदलपुर हम लोग आते रहे फिजियोथेरेपी कराने के लिए, सर हम बुलाते थे आते थे। तो हाथ में लड़की का ठीक नहीं हुआ तो सर फिर बोले कि अरे यार ठीक नहीं हुआ तो इसको फिर से एडमिट कर दो, मैं इसको फिर कोशिश करता हूँ ठीक कर देता हूँ। तो फिर से सुनीत पाल सर ने बोले सीधा करता हूँ बोले, और 3 बार ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर सुनीत पाल और अभी तक ठीक नहीं हुआ। और कल मैंने उन्होंने कहा कि सर मेरी बच्ची का हाथ आप 3रा बार ऑपरेशन कर चुके 2-3 महीने में और ये हाथ ऐसा लटक गया है, तो अगर फिर से गंदा खून जमा हो जाएगा, शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा और हाथ सीधा नहीं हो पा रहा, आप बोले कि मैं इसको जाम हो गया है मांसपेशी काट के मैं ठीक कर दूंगा, तो ठीक नहीं, बोलते मेरी जवाबदारी नहीं है और खून जमा होगा इसकी जवाबदारी मेरी नहीं है, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? मेरी बच्ची का जिंदगी का सवाल है, मेरी बच्ची का भविष्य का सवाल है, उसका हाथ अगर टेढ़ा रहेगा तो उसका भविष्य कौन देखेगा? मुझे पता चला यहाँ के कुछ हमारे पत्रकार बंधु दोस्त हैं समाज को जो दर्पण दिखाते हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर लखन ठाकुर के पास जाइए। तो डॉक्टर लखन ठाकुर पास मैं जब गया उनसे मिला तो उन्होंने एक्सरा किया और उन्होंने देखा और बोला इसका जो हड्डी है ये बेंड हो चुका है, यहाँ इम्पॉसिबल, यहाँ ठीक नहीं होगा जगदलपुर में। मैं तो गुहार लगाना चाहता हूँ, डॉक्टर ठाकुर ने ये बोला कि रायपुर ले जाओ, यहाँ कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची को अब कौन ठीक करेगा? इसका जिंदगी का हाथ एकदम खराब हो गया, टेढ़ा हो गया है और 3-3 बार ऑपरेशन किए। मैं मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाता हूँ इस छत्तीसगढ़ का नागरिक होने के नाते कि मेरी बच्ची को ठीक करवाएं, नहीं तो कौन ठीक करेगा? नहीं, उसका ऑपरेशन 3 बार नहीं हुआ है, उसका ऑपरेशन 2 बार हुआ है और ऑपरेशन के पहले और बाद के दोनों एक्सरे अच्छे हैं। वो और किसी आर्थोपेडिक्स वाले को वो एक्सरे अपने दिखा सकते हैं। वो उनका हाथ हड्डी जुड़ रहा है, उसका हड्डी जुड़ चुका है, ऐसा नहीं कि हड्डी नहीं जुड़ा, वो हाथ फिजियोथेरेपी की कमी की वजह से उनका हाथ नहीं चल पा रहा है। अगर वो डेली अच्छे से फिजियोथेरेपी करें या मेरे पास आके फिजियोथेरेपी करें तो 15 दिन में उनका हाथ चलने लगे, उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल फिजियोथेरेपी कमी की वजह से ये दिक्कत आ रही है। अच्छे से की जाए तो हाथ चलने लगेगा, हाथ चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनका आरोप है पेमेंट, देखिए अभी उनके 2 बार ऑपरेशन हुए हैं जो 2 बार फ्री में हुए हैं, फर्स्ट टाइम भी फ्री में ऑपरेशन किया था और दूसरी बार भी उनका ऑपरेशन फ्री में किया गया, लेकिन फिजियोथेरेपी के लिए 1 महीने तक स्मार्ट कार्ड में कोई पैकेज नहीं है कि जिसको हम जिसकी वजह से जिससे हम बेस पे हॉस्पिटल में एडमिट कर सकें। ये स्मार्ट कार्ड में ऐसा कोई पैकेज नहीं है कि 1 महीने के लिए उनको एडमिट किया जा सके। नहीं नहीं, ऐसा कोई बैंड नहीं हुआ, वो अभी नरम हड्डी बनी है इसलिए ऐसा दिख रहा है। वो जैसे ही हड्डी पक्की बनेगा, मैं उनको भी बताया था कि आप फिजियोथेरेपी अच्छे से कराइए, फिजियोथेरेपी कराने की वजह से थोड़ा बहुत उनको बैंड दिख रहा है वो, लेकिन वो हड्डी जब मजबूत जुड़ेगी तो वो नॉर्मल हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।